Welcome back, you food lovers. Today's video is going to be a definite treat for all those chicken lovers out there, and you are definitely going to thank me later. For this, you will need some chicken breast pieces. I've taken 3, and the first step is to slice them up. अब जितना हो सके उतना पतला काटने की कोशिश कीजिएगा। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक प्रेस पीस से कम 3 तो टुकड़े निकल ही जाएं। लेकिन अगर ये टुकड़े थोड़े मोटे रह जाते हैं तो एक स्मैशर की मदद से आप इन्हें हैमर करके टेंडर कर लीजिए। जो बचे हुए टुकड़े हैं हम उनका कीमा बना लेंगे। तो एक पॉट में मैंने बचा हुआ चिकन लिया है, उसमें हम डालेंगे गार्लिक और हरी मिर्चियाँ। इसे बारीक पीस कर रेडी रख लीजिए। तब तक हम चिकन का फर्स्ट मैरिनेशन तैयार करेंगे। एक बाउल में हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और मस्टर्ड ऑयल। इसमें नींबू का रस और नमक ऐड करके अच्छी तरह मिला लीजिए और हमारे चिकन ब्रेस्ट पीसेस को इसमें रेस्ट करने दीजिए। जब तक हम अब कीमा तैयार कर रहे हैं तब तक इसे फर्स्ट मैरिनेशन में ही रहने देंगे। तो कीमा बनाने के लिए हमने एक पैन में लिया है तेल और अब उसमें डालेंगे बटर। बटर जब गर्म होने लगे उसमें 15 से 20 लहसुन की कलियां डाल दीजिए। क्योंकि हमें गार्लिक बहुत पसंद है इसीलिए हम इतना डाल रहे हैं। अगर आपको उसकी क्वांटिटी कम करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो गार्लिक को गोल्डन ब्राउन होने तक के अच्छे से पका लीजिए। और फिर इसमें हमने डाली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें और सूखी लाल मिर्चें। इससे कलर में बहुत वेरिएशन आता है इसीलिए मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर। गरम मसाला, चाट मसाला और चुटकी भर हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। अब इसमें तैयार किया हुआ कीमा और नमक भी डाल लेंगे। कीमा पकने तक इसे मीडियम से लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से भून लीजिए और जब ये पक जाए तो इसे गर्मा गर्म ही पैन से निकाल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे चीज़। क्योंकि कीमा एकदम गर्म है इसमें चीज़ ऐड करते ही बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें ऐड कीजिए कुछ धनिया पत्ते और अच्छी तरह से मिला लीजिए। हम अक्सर चिकन की वही एक दो स्टार्टर्स खा के बहुत बोर हो जाते हैं। तो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ट्विस्ट एंड अ ट्रीट फॉर योर टेस्ट बड्स। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए सेकंड मैरिनेट में पहुँचते हैं। सेकंड मैरिनेट पहुँचने के लिए हम रोगन बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में हमने मस्टर्ड ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म हो जाने पे गैस बंद करके हम उसमें बेसन और टर्मरिक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बाइंडिंग एजेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो एक कप हंकर्ड लीजिए, उसमें तैयार किया हुआ रोगन डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से फेंट लीजिए। इसमें हमने ऐड करना है नींबू और नमक। रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को अच्छी तरह से स्मैश करके इसमें डाल दीजिए और सेकंड मैरिनेट को तैयार कर लीजिए। चलिए अब असेंबल करते हैं हमारी मच अवेटेड रोज़ाली कबाब को। चिकन ब्रेस्ट पीस जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन में रखा था उसे निकालेंगे और उसके अंदर तैयार किया हुआ कीमा अच्छी तरह से स्टफ करके रोल कर लेंगे। अब इसे अच्छी पैकिंग देने के लिए इसके दोनों एंड्स को मैं टूथपिक की मदद से सिक्योर कर रही हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है वरना कीमा बाहर आ जाता है। जब कबाब रेडी हो तो उसे सेकेंड मैरिनेशन में अच्छी तरह लपेट लीजिए और साइड रख दीजिए। बस एक एक करके सारे कबाब असेंबल कर लीजिए। अब या तो आप इसे ओवन में बना सकते हो या फिर तवे पर। अगर आप इसे ओटीजी में बना रहे हो, माइक्रोवेव में बना रहे हो,
तो 10 मिनट्स के इंटरवल में चिकन को बाहर निकाल के उसे बटर में कोट करके फिर से पकाइए। इससे वो ड्राई नहीं बल्कि जूसी रहेगा। और अगर तवे पे बना रहे हो तो थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर बटर डालिएगा, और बटर थोड़ा गर्म होते ही हम उसमें हमारे कबाब छोड़ देंगे। इन्हें हम शैलो फ्राई ही करेंगे और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस की आंच हमें थ्रू आउट मीडियम और लो ही रखनी है ताकि जो चिकन है अच्छी तरह से पक जाए। काटते वक्त अगर चिकन ब्रेस्ट पीसेस थोड़े मोटे होंगे तो यहाँ उन्हें थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। बस तैयार है हमारा रोज़ाली। इसे ग्रेटेड चीज़ और हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। एंड आई एम सो श्योर यू विल थैंक मी लेटर। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुद का ख्याल रखें।